तहां राम रघुवंश मनि सुनिया महामहिपाल भंजेउ चार्प प्रयास गुण जिमि गज पंकज नाल। सुनि सरोष भृगुनायक आए बहुत भांति तिन्ह आखि दिखाए देखि राम बलु निज धनु दीन्हा करि बहु विनय गवनु बन कीन्हा राजन राम अतुल बल जैसे तेज निधान लखनु पुनि तैसे कंपहि भूप बिलोकत जाके जिमि गज हरि किशोर के ताके देव देखी तव बालक दो अवन आखि तर आवत हो दूत बचन रचना प्रिय लागी प्रेम प्रताप वीर रस पागी सभा समेत राउ अनुरागे दूतन देन निछावरी लागे कही अनीति ते मुदहि काना धर्म विचारी सबहि सुख माना तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं दीन्ही पत्रिका जाय कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोला बोले गुर अति सुख पाई पुण्य पुरुष कहूं महि सुख छाई जिमि सरिता सागर महु जाही जग पिता ही काम नाही तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए धर्म सील पही जाही सुभाए तुम्ह गुर विप्रधेनु सुर से भी तसि पुनीत कौसल्या देवी कृति तुम्ह समान जग माही भय उना है को होने उनाही तुम्हते अधिक पुण्य बड़का के राजन राम सरिस सुत जाके वीर विनीत धर्म व्रत धारी गुण सागर बर बालक चारी तुम्ह कहूं सर्व काल कल्याणा
सजहु बरात बजाई निशाना। चलहु बेगी सुनी गुर बचना, भले ही नाथ सिरुना। भूपति गवने भवन तब दूतन बासुदेवाय। राजा सबुर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनी संदेशु सकल हर खानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजही रानी, मनहु सिखिनी सुनी बारी दबानी। मुदित असीस देही गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कै कीरति करनी, बारही बार भूप बर बरनी। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी तब मही देव बोलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता।